नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जब खांसी और जुखाम हो जाती है, सर्दी लग जाती है, तो हमारा पूरा सिस्टम हिल जाता है। जैसे नाक बहने लग जाती है, खांसी आने लग जाती है, सर दर्द होने लग जाता है, हमारे गले में दर्द होने लग जाता है और बार बार सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। इस तरह की सिचुएशन में डॉक्टर जो जनरली आपका इलाज देता है, किस तरह से देता है, उसमें आपको एंटीबायोटिक देता है, एंटी एलर्जिक दवाई देता है, पेन किलर और एंटीपायरेटिक, मतलब फीवर या कम करने के लिए, और कब सिर्फ देते हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो सभी पे बना रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में आप जरूर देखेगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले। इसी सीरीज में आपको एक बहुत अच्छी कफ सिरप बताने वाला हूँ, जिसको हम बोलते हैं डाबर हनीटस, जो एक नेचुरल हर्बल टॉनिक के तौर पे यूज होता है खांसी के लिए। दोस्तों, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि इसमें होता क्या है, इसमें कैसे काम करती है, इसके कोई साइड इफेक्ट है क्या, आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितनी डोज लेनी चाहिए, ये सभी बातों का मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आगे चलने से पहले मैं एक बात जरूर बोलूंगा दोस्तों, अभी यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इनेबल कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं इमीडिएटली आपको अलर्ट मिल जाए और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में बताएं, ताकि उनको भी ये पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें होता क्या है, जब बात आती है इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले बात करूंगा इसमें तुलसी होती है, मुलेठी होती है, मुलेठी के साथ बनफसा होता है, कंठकारी होती है, ये सारे के सारे हर्बल कंपाउंड्स होते हैं। हर्बल होती है जो तालिस पत्र होता है, सौंठ होती है, पीपल होती है, अड़ूसा होता है, कपूर कचरी होता है, शहद होता है और साथ में पुदीना होता है, इन सभी का एक मिक्सर होता है। ये डाबर हनीटस कैसे काम करती है, अब अपन इसके बारे में बात करते हैं। जब काम करने की बात आती है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि खांसी में क्या होता है, हमारे ये वाला एरिया में दिक्कत होने लग जाती है, जिसमें ब्रोंकस वगैरह होती है, जो तुलसी होती है, तुलसी खांसी को रोकती है, मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये एंटी टसिव होती है। मुलेठी स्मूदिंग नेचर होता है, जो गले में खराश होता है उस खराश को कम करता है। कपूर कचरी और सौंठ खांसी में राहत देती है, मतलब कफ रिलीवर होता है। उसी तरीके से बनफसा, कंठकारी और पीपल, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, कफ को बाहर निकालते हैं। इसका मतलब ये एज ए एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करती है। उसी तरह से तालिस पत्र क्या करता है, खांसी को रोकता है, मतलब एंटी टसिव होता है, कफ को पतला करता है, इसका मतलब म्यूकोलाइटिक होता है, सूजन कम करता है, इसका मतलब एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, खांसते खांसते वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको कम करने से पेशेंट को राहत मिलती है। दोस्तों, उसी तरीके से दोस्तों पुदीना और अड़ूसा दोनों मिलके क्या, सूजन कम करते हैं, मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन देते हैं। सिमिलरली मैं शहद की बात करूंगा, तो खांसी और गले की सूजन को, जो जलन हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसमें राहत देता है, मतलब कफ रिलीवर होता है और स्मूथिंग एजेंट होता है, जो यहाँ पे गले में खराश होता है, जो शहद होता है, बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, ये कैसे काम करता है, इसी का मैं यदि समराइज बोलता हूँ, तो सारे के सारे ये हर्बल्स जो इसमें है, वो गले की खराश कम करते हैं, खांसी को रोकते हैं, कफ को पतला करते हैं, कफ को बाहर निकालते हैं, सूजन कम कर देते हैं, गले की जलन को कम करते हैं और खांसी को रोकते हैं। इस तरह से मिलके खांसी और गले की खराश और सांस फूलने की जैसी दिक्कत को कम करते हैं। दोस्तों, इसको हम कब लेते हैं, दोस्तों ये बच्चों में और बड़ों में बहुत अच्छे से खांसी को नियंत्रित करता है, हर्बल टॉनिक की तरह गले की खराश को कम करता है और सांस लेने की जो दिक्कत होती है उसको कम करता है। ये 100 ml में आता है। यदि बच्चों की बात करें तो एक चम्मच दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। उसी तरह से एडल्ट या वयस्क की बात करें तो 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। ये इनकी डोज होगी। दोस्तों, ये दवा आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही लेनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इसके फायदे क्या है। टोटली ये हर्बल सिरप होती है, जो गले के कंजेशन या सिकुड़न को कम करता है, सूखी खांसी में सुधार करता है, गले की सूजन को कम करता है, गले की खराश को कम करता है। इसको लेने से नींद नहीं आती, जो जनरली दूसरी कफ सिरप को लेने से नींद आने लग जाती है। इसका मतलब दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट की बात आती है तो ये बहुत अच्छा पावरफुल कफ सिरप होता है। ये बैक्टीरिया को भी मारता है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं।
करनी है। दोस्तों इसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो जब बात सावधानी की आती है तो आपको ये दवा डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, साथ में आपको खाना खाने या खाना खाने के बाद में लेनी चाहिए, लेकिन इसको लेने के बाद में थोड़े टाइम तक आपको कुछ नहीं लेना चाहिए। दवा जो होती है डॉक्टर ने जो डोज बताई है वो डोज पूरी लेनी चाहिए। इसके साथ में आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों। और गर्भवती महिलाएं और माताएं जो बच्चों को दूध पिलाने वाली है वो डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ले। यदि आपको इस दवा से एलर्जी है तो इस दवा को आपको नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे यदि लीवर और किडनी से रिलेटेड आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह से ही डोज को डिसाइड करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों ये जो मैंने जानकारी दी है डाबर हनीटा से रिलेटेड, ये आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब भी कोई दवा लेते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह से ले, और जो दवा खरीदते हैं वो उसी मेडिकल स्टोर से खरीदें जिसपे आपको प्रॉपर फार्मासिस्ट मिले। फार्मासिस्ट होगा तो आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों अभी भी मैं लास्ट में जरूर बोलूंगा, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें, और यदि आपको काम अच्छा लगा है तो आपको थैंक्स का बटन दबाना होगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वंस।